So now we move on section 2, numerical value type questions. इसमें guys decimal में भी answer आ सकते हैं इस बार. पहले question पे आते हैं, देखिए क्या है. तो आप ध्यान से देखिएगा, कुछ इस तरह से लिखा हुआ है sec inverse. चलिए इसको रहने देते हैं, एक बार sigma में जो लिखा हुआ है उस पर focus करते हैं. Sigma k का value 0 से 10 तक, और sec of 7 pi by 12 plus k pi by 2 एंड sec of, अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि हम इसको समझ सकें, तो ये ऐसे लिखा हुआ है k pi by 2 plus pi by 2. अब देखिए ये टर्म और ये टर्म सेम, तो इसको थोड़ी देर के लिए थीटा बोलते हैं. चलिए sec pi by 2 plus थीटा, sec pi by 2 plus थीटा होता है माइनस cosec थीटा. तो ये टर्म नेक्स्ट स्टेप में ऐसे बन जाएगी, माइनस sec ऑफ 7 पाई बाय 12 प्लस k पाई बाय 2 इंटू cosec 7 पाई बाय 12 प्लस k पाई बाय 2. अब भी सोच के देखिए, इसको डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा तो ये cos ऑफ थीटा बन जाएगी, ये sin ऑफ थीटा बन जाएगी, cos थीटा sin थीटा बनेंगे हमारे पास. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो नीचे बनेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा विच कैन बी टर्न साइन ऑफ 2 थीटा, यानी साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ दिस, यानी 7 पाई बाय 6 प्लस के पाई, के इज फ्रॉम 0 टू 10. ओके नाउ इट्स अ मल्टीपल ऑफ पाई. सो देखिए साइन के पाई प्लस थीटा क्या होता है, अगर k इवन है तो साइन इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस थीटा की वैल्यू जो है वो बराबर होती है साइन थीटा के, इफ k इज इवन. और अगर k ऑड है तो इसकी वैल्यू होती है माइनस साइन थीटा के बराबर. ये बहुत बेसिक फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का. तो अगर हम इसको यहां यूज करें तो आप पाओगे जब मैं k का वैल्यू पुट करूंगा तो एक टर्म जैसे k का वैल्यू 0 डालेंगे इवन होगा, फिर अगली टर्म में k का वैल्यू ऑड होगा, फिर इवन होगा, फिर ऑड होगा, तो आपको साइन थीटा माइनस साइन थीटा माइनस थीटा ऐसे कंटिन्यूसली मिलते रहेंगे. तो देखिए क्या क्या मिलता है, माइनस थोड़ी देर के लिए हम 7 पाई बाय 6 को थीटा लिख लेते हैं. ओके 2 कॉमन आएगा, कॉमन निकाल लेते हैं. तो पहली टर्म में k इवन है तो आपको मिलेगा 1 बाय साइन थीटा, अगली टर्म में k ऑड है तो आपको मिलेगा माइनस 1 बाय साइन थीटा, फिर मिलेगा प्लस 1 बाय साइन थीटा, फिर मिलेगा माइनस 1 बाय साइन थीटा, और लास्ट टर्म में k का वैल्यू 10 है तो आपको मिलेगा 1 बाय साइन थीटा. अब देखिए सब कैंसिल हो जाएंगे, टोटल 11 टर्म है. ओके तो प्लस माइनस सेम मैग्नीट्यूड में है, कैंसिल हो जाएगी, ये इससे ऐसे करके सेकेंड लास्ट टर्म तक कैंसिल हो जाएगी और आपके पास बचेगा माइनस 2 अपॉन साइन थीटा, यानी 7 पाई बाय 6. 7 पाई बाय 6 को गाइस पाई प्लस पाई बाय 6 लिख सकते हैं, और साइन पाई प्लस पाई बाय 6 साइन माइनस साइन पाई बाय 6 होगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया. साइन पाई बाय 6 का वैल्यू जो है आप जानते हो हाफ होता है, तो अगर हम वो यहां पुट करें तो इट विल बिकम 4. सो ये जो कंप्लीट टर्म है ये 4 हो गई, तो इसकी वैल्यू यहां डालेंगे तो 1 बाय 4 से मल्टीप्लाई होकर 1 बन जाएगा. सो दिस टर्म विल बिकम फाइनली sec इनवर्स 1, और sec इनवर्स 1 का वैल्यू जैसा आपको पता है 0 होता है, और ये इस इंटरवल में भी है. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 0. तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, नेक्स्ट मूव नाउ वी विल डिस्कस द सेकेंड क्वेश्चन. इट इज अगेन फ्रॉम वेक्टर, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, जैसा जैसा कंडीशन आपको क्वेश्चन में गिवन है उसको अप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा. ए गिवन है, बी गिवन है. कंसिडर अ वेक्टर सी, देखिए सी वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा ए वेक्टर प्लस बीटा बी वेक्टर विच इज इक्वल टू, अगर हम अल्फा बीटा से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं इनको तो हमको मिलेगा 2 अल्फा प्लस बीटा आई कैप, अल्फा प्लस 2 बीटा जे कैप, एंड माइनस ऑफ अल्फा माइनस ऑफ बीटा के कैप. दिस इज रिलेशन नंबर 1.
चलिए आगे चलते हैं. इफ द प्रोजेक्शन ऑफ सी वेक्टर ऑन दिस वेक्टर इज 3√2, तो गाइस प्रोजेक्शन का फॉर्मूला ये होता है कि अगर सी वेक्टर का प्रोजेक्शन मुझे आर वेक्टर की डायरेक्शन में चाहिए तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं आर कैप से. फिलहाल मुझे चाहिए ये ए प्लस बी की डायरेक्शन में, तो यहाँ आएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड इट इज गिवन 3√2. तो देखिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या हो गया, अगर आप ए प्लस बी करें तो आपको मिलेगा 3 टाइम आई कैप प्लस 3 टाइम जे कैप. ओके दैट्स ऑल. और इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालेंगे तो आएगा 3√2, दैट इज गिवन एज 3√2. ओके 3 यहां से कॉमन लेके हम कैंसिल कर सकते हैं, रूट टू को उधर ले जाते हैं, इधर 6 बन जाएगा. आई प्लस जे को सी से अगर डॉट प्रोडक्ट करें हम, ये रहा सी वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट करोगे आई प्लस जे से तो आपको मिलेगा 2α प्लस बी प्लस अल्फा प्लस 2β प्लस 0. फाइनली 3α प्लस 3β इज इक्वल टू 6, सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2. एक और रिलेशन अल्फा बीटा में हमको मिल गया है. ओके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन. देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, अब आपको वैल्यू निकालनी है सी वेक्टर डॉट सॉरी माइनस ए क्रॉस बी डॉट सी वेक्टर की. ये देखिए इसको डॉट प्रोडक्ट कराएंगे, सी डॉट सी हो गया मॉड सी का स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं बॉक्स ऑफ ए बी सी, है ना, ए क्रॉस बी डॉट सी कैन बी रिटन बॉक्स ऑफ ए बी सी. ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है 3 वेक्टर का, और अगर आप ध्यान से देखें तो सी वेक्टर इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी, सो डेफिनेटली सी लाइज इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी, सो द वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर कोप्लेनर. इफ 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर देन देयर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू 0. सो गाइज ये टर्म जो है ये 0 हो जाएगी पूरी, तो आपके पास बचेगा केवल मॉड सी स्क्वायर. मॉड सी स्क्वायर अगर हम यहाँ से देखें तो आपको मिलेगा 2α प्लस बीटा का स्क्वायर, अल्फा प्लस 2β का स्क्वायर और अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर. अभी बीटा और अल्फा में एक रिलेशन मुझे पता है तो ये वैल्यू मैं यहाँ सब्सटीट्यूट कर देता हूँ बीटा की, तो ये पूरी तरह से अल्फा में कन्वर्ट हो जाएगा. देखिए क्या बनेगा, बीटा इज 2 माइनस अल्फा, तो अगर आप यहाँ पे लिखते हैं 2 माइनस अल्फा तो इट विल बिकम अल्फा माइनस 2 सॉरी अल्फा प्लस 2. नाउ बीटा इज 2 माइनस अल्फा, यहाँ पुट कर दीजिए 2 माइनस अल्फा, तो ये बनेगा 4 माइनस अल्फा होल स्क्वायर. यहाँ आते हैं, यहाँ पे पुट करिएगा 2 माइनस अल्फा तो ये बनेगा 2α माइनस 2 स्क्वायर. थोड़ा और इसको सॉल्व कर लें, देखिए इसमें टर्म आएगी α² + α² + 4α² सब मिला के हो गया 6α², अल्फा वाली टर्म इसमें आएगी प्लस 4α, इसमें आएगी -8α, इसमें आएगा 2 × 4 × 2 - 8, तो कुल मिला के ये हो गया माइनस का 12α. कॉन्स्टेंट टर्म, टर्म विदाउट अल्फा, इसमें होगी 4, इसमें 16 और उसमें 4, तो प्लस के 24. अब हमको करना क्या है, हमको इसका मिनिमम वैल्यू बताना है. देखिए यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं 6, तो ये बन गया α² - 2α + 4. इसको हम लिख सकते हैं 6α - 1 होल स्क्वायर + 3. सो द गाइस द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस टर्म इज 3, बिकॉज मिनिमम ऑफ स्क्वायर क्वांटिटी इज 0, तो ये 3 बना, 6 से मल्टीप्लाई हुआ तो इट्स मिनिमम इज 18. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 18. देख सकते हैं ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था, जैसी कंडीशन थी वैसे वैसे मूव करते गए हम. अगला क्वेश्चन इंटीग्रेशन से है और आई होप ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है. आइए देखिए कैसे करना. लेट आई इज इक्वल टू इसे 0 to π/2 3 टाइम √cos θ डिवाइडेड बाय √cos θ प्लस √sin θ to the power 5 d θ. लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1. इस एक्सप्रेशन को अगर आप ध्यान से देखें तो आप समझ सकते हैं कि हमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी चाहिए.
है ना, हम लोग यूज करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। तो अगर हम ये प्रॉपर्टी यूज करें तो आई का वैल्यू आएगा 0 टू पाई बाई टू। देखिए इसमें आपको करना क्या, एक्स की जगह ए प्लस बी माइनस एक्स रिप्लेस करना होता है, यहाँ ए प्लस बी माइनस थीटा आपको डालना थीटा की जगह, तो ये बन जाएगा पाई बाई टू माइनस थीटा। तो जब मैं यहाँ रिप्लेस करूंगा पाई बाई टू माइनस थीटा, ये बनेगा थ्री टाइम रूट कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा यानी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ये टर्म बन जाएगी रूट साइन थीटा, ये टर्म होगी रूट कॉस थीटा टू द पावर फाइव साथ में डी थीटा, रिलेशन नंबर टू। और जैसा आपने अधिकतर क्वेश्चन में किया होगा ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद जनरली हम इन दोनों को ऐड करते हैं, तो यहाँ भी अगर हम ऐड करें वन और टू को आपको मिलेगा टू आई इज इक्वल टू थ्री टाइम जीरो टू पाई बाई टू डी थीटा। देखिए ऐड होगा डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, न्यूमिनेटर में बनेगा रूट कॉस थीटा प्लस रूट साइन थीटा, उससे कैंसिल हो जाएंगे और डिनोमिनेटर में बचेगा रूट साइन थीटा प्लस रूट कॉस थीटा पावर फोर। सो आई का वैल्यू हो गया थ्री बाई टू जीरो टू। ओके इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए क्या कर रहे हैं हम कि ऊपर नीचे इसको आप डिवाइड कीजिए। देखिए यहाँ से रूट कॉस थीटा को कॉमन ले लीजिए तो ये बन जाएगा रूट टेन थीटा प्लस वन पावर फोर। रूट कॉस थीटा की पावर फोर जब बाहर आएंगे तो बन जाएंगे कॉस स्क्वायर थीटा जो ऊपर जाके बन गए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और लिमिट है जीरो से पाई बाई टू अभी तक। अब हम पुट कर देंगे टेन थीटा को टी स्क्वायर राइट ताकि ये इरेशनल जो है ये दूर हो जाएगी यहाँ से टर्म और ऐसे में सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा विल बिकम टू टी डी टी। अकॉर्डिंगली हम लिमिट भी चेंज कर लेंगे थ्री बाई टू। देखिए यहाँ हो गया टू टी डी टी, यहाँ पर हो गया टी प्लस वन की पावर फोर, टू से टू कैंसिल हो गया। व्हेन थीटा इज जीरो देन टी इज आल्सो जीरो, व्हेन थीटा इज पाई बाई टू देन टी इज इन्फिनिटी। नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट दिस, ये डी टी है अपने पास यहाँ पे, अपन इसमें प्लस वन माइनस वन कर लेते हैं और दो पार्ट में इसको सेपरेट कर लेते हैं, तो ये बनेगा थ्री टाइम जीरो टू इन्फिनिटी वन अपॉन टी प्लस वन पावर थ्री माइनस वन अपॉन टी प्लस वन पावर फोर डी टी। इसके आगे सॉल्व करने के लिए कुछ स्पेस की रिक्वायरमेंट है तो अपन इसको मिटा लेते हैं चलिए और यहाँ आ जाइए। अब सिंपली अब इंटीग्रेशन करना अपने को आई इज इक्वल टू थ्री टाइम लिमिट जो है वो हम जीरो से इन्फिनिटी डालने वाले हैं। टी प्लस वन टी का लीनियर फंक्शन है सो वन अपॉन एक्स क्यूब अगर होता तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता माइनस वन बाई टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ बन जाएगा टी प्लस वन स्क्वायर। सिमिलरली उधर इंटीग्रेशन हो जाएगा प्लस वन बाई थ्री टी प्लस वन क्यूब। तो देखिए जब आप लिमिट पुट करेंगे इन्फिनिटी चाहे इसमें करिए दोनों बन जाएंगे जीरो, और जब जीरो पुट करेंगे तो ये बनेगा माइनस हाफ, ये बनेगा प्लस वन बाई थ्री। तो इसको सॉल्व करने पर सिक्स एलसीएम हो गया, थ्री माइनस टू ये हो गया वन बाई सिक्स और फाइनली गाइज आपको मिला हाफ यानी इस क्वेश्चन का आंसर है 0.5। तो इस तरह से इंटीग्रेट करेंगे हम इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। ये जो क्वेश्चन है देखते हैं किस कंसेप्ट पे बेस्ड है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेट थ्योरी के बारे में कुछ बात हो रही है ना, लेट मॉड एक्स डिनोट द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एक्स। ओके सिंपली हम लोग इसको एन एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं तो मैं एन एक्स ही लिखूंगा। कैपिटल एस बी द सैंपल स्पेस वेयर ईच एलिमेंट इज इक्वली लाइकली टू अकर इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट एसोसिएटेड विद एस। वी नो दैट एवरी इवेंट इज सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस सो ए एंड बी मस्ट बी सबसेट ऑफ एस। तो हम नोटिस करते हैं चीजों को यहाँ पे, ए इज अ सबसेट ऑफ एस, बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ एस सच दैट
द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, हमको पता करना हम कितने सबसेट ए और बी ऐसे बना सकते हैं सच दैट वन लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। ओके शुरू करते हैं, देखिए सो नंबर ऑफ सच पेयर ऑफ ए बी सी, ए बी सॉरी इज इक्वल टू, तो चलिए हम पहले चूज करते हैं, देखिए बी चूज करते हैं अगर हम, तो कह रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, तो द मिनिमम पॉसिबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज वन। तो हम डिस्कस करेंगे एक एक पॉसिबिलिटी को कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज वन और टू और थ्री और फोर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं कि इसमें एक एलिमेंट है बी में, तो बी बनाने के हमारे पास कितने ऑप्शन होंगे, तो आप सोचिए, देखिए यहाँ पे हमारे पास छः एलिमेंट है और इनमें से एक एलिमेंट लेके हमको सबसेट बनाना है, तो एक एलिमेंट अगर हम चूज करना चाहें तो हमारे पास कुल तरीके होंगे सिक्स सी वन। तो ये जो हम यहाँ लिख रहे हैं दैट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म डिफरेंट सेट बी, है ना, इन विच बी हैज ओनली वन एलिमेंट। सिमिलरली फिर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर हम दो एलिमेंट का सेट बनाना चाहें बी, तो उसके तरीके होंगे सिक्स सी टू, तीन एलिमेंट के लिए बनाना चाहें तो सिक्स सी थ्री, चार के लिए बनाना चाहें तो सिक्स सी फोर, पांच के लिए बनाना चाहें तो सिक्स सी फाइव। अब एक ही बात करते हैं, देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, तो अगर इसमें वन एलिमेंट लिया हमने तो जो हम ए बनाएंगे उसमें कितने एलिमेंट हो सकते हैं, उसमें दो एलिमेंट भी हो सकते हैं, तो इतने तरीके से हम ए बना सकते हैं। इसी केस में उसमें तीन एलिमेंट भी हो सकते हैं, तो वो इतने तरीके से बनेगा, चार भी हो सकते हैं, पाँच भी हो सकते हैं और छः के छः भी ले सकते हैं। सिमिलरली इन दिस केस बी में तीन एलिमेंट लिए जा सकते हैं, ए में सॉरी चार लिए जा सकते हैं, पाँच और छः, इस केस में सिक्स सी फोर, सिक्स सी फाइव, सिक्स सी सिक्स। इन दिस केस पांच एलिमेंट का सेट बनेगा या छः एलिमेंट का बनेगा। और फाइनली इस केस में एक ही ऑप्शन है कि अगर ए में बी में पांच एलिमेंट है तो ए में छः एलिमेंट होने चाहिए और इतने तरीके होंगे और भी बनाने के। अब गाइस आप या तो हर एक को कैलकुलेट कर ले और ऐड कर ले, इनकी वैल्यू कैलकुलेट कर लें, या फिर देखिए दूसरा जो तरीका है वो क्या है, अगर आप इस पूरे एक्सप्रेशन को ध्यान से देखें तो आप समझ जाएंगे कि ये क्या है। ये जो वैल्यू है देखिए, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, दैट इज इक्वल टू, दिस रिप्रेजेंट सम ऑफ ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स फ्रॉम सिक्स सी वन, सिक्स सी टू अप टू सिक्स सी सिक्स। देख सकते हैं आप इन छह टर्म में से कोई भी दो टर्म लेके अगर आप प्रोडक्ट करेंगे तो वो आपको यहाँ मिलेगा ही मिलेगा, है ना, जैसे ये सिक्स सी वन सिक्स सी टू है, फिर सिक्स सी वन सिक्स सी थ्री है, सिक्स सी वन सिक्स सी फोर भी है, सिक्स सी टू सिक्स सी थ्री। सो इट रिप्रेजेंट सम ऑफ ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म फ्रॉम दी सिक्स टर्म्स। इसको हम थोड़ी देर के लिए लैम्डा मान लेते हैं, तो मुझे लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए कभी भी सम ऑफ ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म कैलकुलेट करना हो तो हम किस कंसेप्ट से करते हैं, अच्छा देखिए सिक्स, नाउ वी नो दैट सिक्स सी वन प्लस सिक्स सी टू अप टू सिक्स सी सिक्स का अगर मैं होल स्क्वायर करूं तो वो मुझे मिलेगा सिक्स सी वन स्क्वायर, सिक्स सी टू स्क्वायर एंड अप टू सिक्स सी सिक्स स्क्वायर प्लस टू टाइम्स। तो अगर आपको याद हो जब होल स्क्वायर को ओपन करते हैं तो वहाँ टू के साथ में क्या आता है, सम ऑफ ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म फ्रॉम दिस सेट, और यही वैल्यू जो है इसको हम लैम्डा लिख रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ मुझे जो भी मिलेगा वो लैम्डा होगा। तो अब यहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ये फार्मूला है बाइनोमियल थ्योरम में, जैसा हम जानते हैं एन सी जीरो एन सी वन एन सी टू अप टू एन सी एन टू पावर एन होता है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी टू पावर सिक्स। लेकिन ध्यान से देखिए इसमें सिक्स सी जीरो मिसिंग है, तो इसलिए माइनस सिक्स सी जीरो होल स्क्वायर, सम ऑफ ऑल स्क्वायर ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट इज टू एन सी एन, दैट मीन्स इसका वैल्यू होगा ट्वेल्व सी सिक्स, लेकिन इसमें भी सिक्स सी जीरो वाला टर्म मिसिंग है, तो माइनस सिक्स सी जीरो का स्क्वायर प्लस टू टाइम लैम्डा। और देखिए टू पावर सिक्स हो गया भाई सिक्सटी फोर, और सिक्स सी जीरो हो गया वन, यानी ये हो गया सिक्सटी थ्री स्क्वायर,
63 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो देखिए क्या मिलेगा हमें, 9 18 टू 36 6 और 36 इंटू 36 प्लस 3 3969 इज इक्वल टू 12C6 का वैल्यू क्या होगा वो भी हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 12C6 हो गया 12 11 10 9 8 7 डिवाइडेड बाय 6 5 4 3 2 1 6 और 2 मिला के 12 हो गए, 3 से हम इसको कैंसिल कर देते हैं 3, 4 से इसको कैंसिल कर देते हैं 2 और 5 से इसको कैंसिल कर देते हैं 2, 7 टू जा 14 हो गया, ये 6 हो गया, 14 इंटू 6 84 हो गए, इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 4 2 9 924 वैल्यू होती है 12C6 की। इसमें से ये 1 अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो 923 प्लस 2 लैम्डा, सो फ्रॉम हियर लैम्डा इज इक्वल टू 3969 में से 923 को सब्ट्रैक्ट करिए, ये रफ कैलकुलेशन भी चलिए यहीं कर लेते हैं, सो 9 माइनस 3 6 हो गया आपके पास, 6 और 2 है 4 और ये हो गया 30 और फिर इसको 2 से भी डिवाइड करना है तो आंसर आएगा 1523। सो गाइज ये आंसर है इस क्वेश्चन का, दिस इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से एक बहुत सिंपल क्वेश्चन इस बार दिया गया है और ये वाकई सिंपल है, कोई खास कैलकुलेशन भी इसमें नहीं करनी पड़ेगी आपको, उस क्वेश्चन को समझ लीजिए ढंग से ना। 5% ABCDE आर ऑलरेडी सिटेड इन अ सर्कुलर अरेंजमेंट, ABCDE ये लोग ऑलरेडी यहाँ बैठे हुए हैं तो आपको उनके सीटिंग अरेंजमेंट के तरीके कंसिडर नहीं करने, ये फिक्स्ड है ऐसे। इफ ईच ऑफ देम इज गिवन अ हैट ऑफ वन ऑफ द थ्री कलर रेड ब्लू और ग्रीन, तो इनको रेड ब्लू और ग्रीन कलर की हैट हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द हैट सच दैट द पर्सन सीटेड इन एडजेसेंट सीट गेट डिफरेंट कलर हैट, इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए इसको रेड मिल गई ना तो इसको रेड नहीं मिलनी चाहिए। तो आप देखिए तीन तरह के कलर हमारे पास RGB, तो ऐसा तो पॉसिबल, क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम चार लोगों को रेड कलर की हेड दे पाए, तो आप कैसे भी अरेंज कर लीजिए वो कॉन्सिक्यूटिव जरूर आएगी। क्या तीन रेड कलर की हेड दे पाना पॉसिबल है कि इसको रेड दिया फिर इसको नहीं दे सकते, इसको देंगे अब इसको नहीं देंगे तो इसको देना पड़ेगा, तो ये दोनों कॉन्सिक्यूटिव हो जाएंगे। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि हम सेम कलर की तीन हेड भी यूज़ नहीं कर सकते, तो मैक्सिमम हम एक कलर की दो हेड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो हेड के लिए जो पॉसिबिलिटी है, हेड का सिलेक्शन अगर हम करें तो तीन पॉसिबिलिटी हमारे पास, या तो दो रेड ले लेते हैं, दो ग्रीन ले लेते हैं, एक ब्लू ले सकते हैं, या दो रेड दो ब्लू और एक ग्रीन ले सकते हैं, और फाइनली दो ग्रीन दो ब्लू और एक रेड। तो तीन तरीके से हम हेड का सिलेक्शन कर सकते हैं, इनका डिस्ट्रीब्यूशन अभी बाकी है। तो चलिए इसको कंसिडर करते हैं कि ये हेड अब मुझे डिस्ट्रीब्यूट करनी है और ऐसे करनी है कि कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव पर्सन के पास में सेम कलर की हेड ना हो। इसमें देखिए बी अलग ही है अपने, तो सबसे पहले ये जो ब्लू हैट है ये हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो अगर ब्लू हैट आपको देनी है तो उसके लिए अपने पास टोटल 5 ऑप्शन होंगे। ओके, जैसे मान लीजिए ये ब्लू हैट मैंने इसको दे दी, ओके, ऐसे बी को भी दे सकते हैं, सी को, डी को, ई को, तो 5 पॉसिबिलिटी है। अब इनमें से ये एक पॉसिबिलिटी है, इस पर विचार करते हैं कि आगे डिस्ट्रीब्यूशन के कितने तरीके हैं। तो इस पॉसिबिलिटी में अब रेड और ग्रीन देखिए कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कि अगर मैं इसको रेड देता हूँ तो इसको ग्रीन देनी पड़ेगी, इसको रेड और इसको ग्रीन, और अगर इसको ग्रीन देते हैं तो इसको रेड देनी पड़ेगी, इसको ग्रीन और इसको रेड, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। यानी अगर हम ये डिफरेंट वाली ये जो यूनिक हेड है ये अगर एक पर्सन को दे देते हैं तो उसके बाद बची हुई हेड डिस्ट्रीब्यूट करने के दो ही तरीके हैं। तो ये हेड डिस्ट्रीब्यूट करने के 5 तरीके हैं और हर एक तरीके में 2 तरीके रिमेनिंग हेड डिस्ट्रीब्यूट करने के, यानी इन हेड को डिस्ट्रीब्यूट करने के टोटल 10 डिफरेंट वेज होंगे हमारे पास। सिमिलरली 10 इनके लिए होंगे और 10 इनके लिए होंगे, तो सभी का अगर टोटल करें हम तो टोटल 30 डिफरेंट वेज होंगे टू डिस्ट्रीब्यूट द हेड। तो इसका जो आंसर है क्वेश्चन का वो होना चाहिए 30। तो देख सकते हैं आप इसमें कम कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे।
एक बार फिर से बाइनोमियल थ्योरम के कंसेप्ट हमको यूज करने पड़ेंगे यहाँ पे। हर एक एलिमेंट को कैलकुलेट करेंगे और उसकी वैल्यू डिटरमिनेंट में पुट करने के बाद ही सॉल्व करेंगे ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं ना। तो फर्स्ट जो टर्म है देखो सिग्मा के, के का वैल्यू 0 से n, और ये बहुत सिंपल है, आप डायरेक्टली जानते होंगे दैट इज n n+1/2। ओके चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट टर्म देखते हैं। ये थोड़ा इजी है तो पहले इसको ले लेते हैं हम। सिग्मा एन सी के इंटू के, के का वैल्यू 0 to n, ये भी डायरेक्ट फार्मूला अगर आपको याद हो, और नहीं भी याद है तो थोड़ा सा लेंदी होगा। हम ऐसे कर सकते हैं कि इस एन सी के को लिख सकते हैं n/k n-1 c k-1, और ये k जो है इससे कैंसिल हो जाएगा और k का वैल्यू 0 से n। ये n जो है देखिए सिग्मा में वेरिएबल है k, सो n कांस्टेंट है, बाहर आ जाना है, और ये सारे बाइनोमियल कोफिशियंट हो गए n-1 के, उनका सम करेंगे तो आएगा 2 power n-1। अब आते हैं नेक्स्ट एलिमेंट पे जो है सिग्मा एन सी के इंटू के स्क्वायर, के का वैल्यू 0 to n, इसको कैंसिल करना है मुझे तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसे कैंसिल करते हैं हम कि इसको लिख लेते हैं n/k n-1 c k-1 इंटू के स्क्वायर, तो ये स्क्वायर कट जाएगा इससे, n बाहर आएगा आएगा ओके। हर एक सिग्मा में के का वैल्यू 0 to n है, हम बार बार उसको लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अंडरस्टूड है ना क्या वैल्यू पुट करनी है अपने को। एन बाहर आ गया, इस के का अब क्या करें, अब तो इसको बाहर लाएंगे तो ये तो के माइनस वन बाहर आएगा, तो इसको कैंसिल करने के लिए हम इसको k-1+1 ऐसे लिख लेते हैं n-1 c k-1, दो पार्ट कर लेंगे इसके अलग अलग k-1 n-1 c k-1 प्लस सिग्मा n-1 c k-1, और अब इस k-1 को कैंसिल करने के लिए इस टर्म को हम लिख सकते हैं n-1 upon k-1 into n-2 c k-2, और ये बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम हो गया n-1 के, सो इट इज 2 power n-1। यहाँ जो हम फार्मूला बार बार यूज कर रहे हैं वो ये है ncr can be written n/r n-1 cr-1, इसको अगेन और अगेन यूज करके हम सीरीज के सम किए जा रहे हैं, ये कैंसिल हो जाएगा इससे, फिर से n-1 सिग्मा से बाहर आ जाएगा और ये n-2 के बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम हो गया। यहाँ ये भी बता दो कि सिग्मा ncr इज 2 power n फॉर r इक्वल टू 0 to n, तो इसको भी यूज कर रहे हैं हम। जैसे यहाँ पर n-2 c k-2 हो गया, सिग्मा अप्लाई करने पर ये बनेगा n n-1 और 2 power n-2, और ये जो टर्म है ये बनेगी यहाँ से मल्टीप्लाई होके n into 2 power n-1। अब आते हैं फोर्थ एलिमेंट पे। जो फोर्थ एलिमेंट है वो ऐसा है कि सिग्मा एन सी के 3 power k, के का वैल्यू 0 से n, ये डायरेक्ट बाइनोमियल एक्सपेंशन है 1 plus 3 power n का, सो वी कैन राइट इट 4 power n और 2 power 2n। तो ये चारों वैल्यूज अब हम डिटर्मिनेंट में पुट करने वाले हैं और उसको जीरो करेंगे, वहाँ से हमको n का वैल्यू मिलेगा, उसके बाद हम कैलकुलेट कर पाएंगे जो हमसे पूछा गया है। तो देखिए क्या मिलेगा, सो गिवन डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो, तो दिस मल्टीप्लाई विद दिस, यानी फर्स्ट और फोर्थ वाले एलिमेंट को, तो दिस मल्टीप्लाई विद दिस, यानी पहली टर्म अपनी बनेगी n n+1 और 2 power 2n-1, फिर माइनस मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज टू टर्म्स, यानी अब हमको मल्टीप्लाई करना है इस टर्म को इस टर्म से। तो यहाँ अपने को देखिए n क्या हो गया, n² n-1 और 2 power n-1 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 power 2n-3, दोनों पावर ऐड हो जाएगी, ये टर्म जब यहाँ मल्टीप्लाई होगी तो आपको मिलेगा n² और 2 power 2n-2 = 0। कैलकुलेशन आगे बढ़ाने के लिए इस पोर्शन को हम रिमूव कर देते हैं यहाँ से।
इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एन का। देखिए यहाँ से कॉमन आता है एन और कॉमन आ जाएगा 2 पावर 2n-2। इसके बाद बचेगा क्या, यहाँ से एन चला गया, बच गया एन प्लस वन, यहाँ से 2 पावर 2n-2 जाने के बाद बचेगा 2। हमको कॉमन लेना चाहिए था 2 पावर 2n-3, द स्मॉलेस्ट पावर तीनों में जो है 2 की, तो यहाँ बचेगा 2 स्क्वायर यानी कि 4 माइनस, यहाँ से एक एन चला गया फिर भी एन माइनस वन बचा है और 2 पावर 2n-3 पूरा कॉमन चला गया, प्लस एक एन चला गया और 2 बच जाएंगे, 2n = 0। देखिए ये टर्म 0 हो नहीं सकती, n का वैल्यू 0 ले नहीं सकते हम, तो बच गया ये टर्म, यही 0 होना चाहिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो आपको मिलेगा -n² + 4n + n + 2n, 4, 1 और 2 प्लस के 7n + 4 = 0। तो ये सब मिला के हमको मिला n² - 7n। यहाँ एक मिस्टेक हो गई, यहाँ माइनस है, ये माइनस में होगी टर्म, तो इसको रीकैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। वी गॉट -n² - 4n + n - 5n - 2n, तो प्लस के 3n बचेंगे और बचेगा +4। थोड़ा और इसको सॉल्व, n² - 3n - 4 = 0, फैक्टर करेंगे n - 4 और n + 1 = 0, n का वैल्यू आया 4 और -1, n नेचुरल नंबर है तो -1 तो ले नहीं सकते हम, सो फाइनली n का वैल्यू आया 4। अब ये वैल्यू हमको यहाँ पुट करनी है ताकि इस टर्म की वैल्यू निकाल सकें, तो पहले तो इस टर्म को देख लेते हैं हम, ये क्या है, ये है सिग्मा एन सी के डिवाइडेड बाय के प्लस वन। इसको गाइस हम ऐसे लिख लेते हैं, के का वैल्यू 0 से n। क्वेश्चन को आगे बढ़ाने के लिए इसको n प्लस वन से ऊपर नीचे अगर हम ऐसे मल्टीप्लाई कर दें तो ये टर्म बन गई सिग्मा के का वैल्यू 0 से n तक n+1 c k+1। अब आप ढंग से, अगर आप ध्यान से देखते हैं, ये बाइनोमियल कोफिशिएंट है एन प्लस वन के, इसमें के का वैल्यू 0 से n तक मुझे पुट करना, तो अगर मैं के का वैल्यू 0 डालूंगा तो फर्स्ट कोफिशिएंट में यहाँ 1 आएगा, c1, फिर c2, फिर c3 up to cn+1, तो सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट है, तो सम होना चाहिए 2 पावर n+1, लेकिन एक बाइनोमियल कोफिशिएंट यहाँ मिसिंग है, ये वाला, तो इसलिए इसके बराबर हुआ। फाइनली दिस कैन बी रिटन 2 पावर n+1 - 1 / n+1। नाउ वी विल पुट n = 4, सो इफ n = 4 वी गॉट 2 पावर 5 - 1 / 5, ये हो गया 32 - 1 = 31/5, और यू कैन से 62/10 यानी कि 6.2। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 6.2। तो इस तरह से सेक्शन सेकंड कंप्लीट होता है।